सीएए के विरोध में आज देशभर में बुलाया गया बंद। सूरत के लिम्बायत इलाके में बंद के दौरान भड़के हिंसा पथराव में एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। मुर्शिदाबाद में नागरिकता कानून के प्रदर्शन के दौरान दो गुटों में चली गोलियां, दो की मौत के बाद इलाके में तनाव। महाराष्ट्र के यवतमाल में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के सीतामढ़ी में नागरिकता कानून के विरोध के दौरान घमासान, दो गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। बिहार के शिवहर में नागरिकता कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, हाईवे पर आगजनी और जाम। बेतिया में भारत बंद के दौरान दो गुटों में पथराव, उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस के साथ डीएम भी उतरे सड़क पर। शर्जील इमाम को दिल्ली की अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी बयान का आरोप। बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली लाया गया पूर्व जेएनयू छात्र, शर्जील का सरेंडर का दावा पुलिस ने किया खारिज। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखे कश्मीर की आजादी के पोस्टर, नागरिकता कानून एनआरसी के विरोध के दौरान शर्जील इमाम का भी समर्थन। शाहीनबाग में पिस्तौल दिखाने के विवाद पर स्थानीय निवासी की सफाई, कहा प्रदर्शनकारियों से बातचीत के दौरान किसी ने निकाल ली थी लाइसेंस पिस्तौल। सामाजिक कार्यकर्ता तपन बोस का विवादित बयान, सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना से इंडियन आर्मी की तुलना, का पाकिस्तान नहीं है दुश्मन देश। पीएफआई चीफ से ईडी ने की पूछताछ, सीए विरोधी प्रदर्शनों के लिए फंड उगाही का है आरोप। गाजियाबाद में नागरिकता कानून के खिलाफ बंद का मिला जुला असर, कुछ इलाकों में दुकानों की शटर गिरे। मुरादाबाद में बंद के दौरान ईदगाह मैदान में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी, भारी पुलिस बल तैनात। पटना में सीएए के विरोध में बंद, विपक्षी नेताओं ने दिया समर्थन। कोरोना वायरस संक्रमण के डर से कोलकाता बंदरगाह पर भी सख्त निगरानी, थर्मल स्कैनर से हो रही है यात्रियों की जांच। कोरोना वायरस की दहशत के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर लगा थर्मल स्कैनर, कल से अब तक 500 से ज्यादा यात्रियों की स्कैनिंग, पुणे भेजे गए संदिग्ध सैंपल की रिपोर्ट आई निगेटिव। उज्जैन में चीन से लौटे छात्र और उसकी मां को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का शक, दोनों को आइसोलेशन में रखा गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस हेल्प डेस्क बनाई गई, बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए 4 डॉक्टर, 6 पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त। हरियाणा के यमुनानगर में कोरोना की दहशत से आइसोलेशन वार्ड तैयार, कारोबारियों इंजीनियरों की चीन आवाजाही के चलते संक्रमण का डर। मणिपुर में भी कोरोना वायरस को लेकर हलचल तेज, म्यांमार बॉर्डर के सभी चेक पोस्ट पर आने जाने वालों की जांच शुरू। मदुरै के सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारी, संभावित मरीजों के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। चेन्नई एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स की टीम तैनात, कोरोना संक्रमण के लक्षणों वाले मरीजों के लिए एम्बुलेंस तैयार। सिरसा के अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार, कारोबार के सिलसिले में चीन जाने वालों पर नजर। धर्मशाला में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद, 3 प्रमुख अस्पतालों में डॉक्टर्स की टीम तैयार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी का बड़ा हौसला, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पार्टी में शामिल। बीजेपी में एंट्री के बाद साइना ने की पीएम मोदी की तारीफ, का खेल और खिलाड़ियों के लिए कई अच्छे काम उन्होंने किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बदला कैंपेन का स्लोगन, अच्छे होंगे 5 साल दिल्ली में तो केजरीवाल, पार्टी का नया नारा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में मुख्यमंत्री केजरीवाल का रोड शो, पार्टी प्रत्याशी राघव चड्ढा के लिए मांगे वोट। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की गृहमंत्री अमित शाह की शिकायत, प्रचार के दौरान दिल्ली के सरकारी स्कूलों के फर्जी वीडियो दिखाने का आरोप। 10,000 के चालान के खिलाफ दिल्ली का ऑटो चालक पहुंचा हाईकोर्ट, ऑटो पर सिर्फ केजरीवाल लिखने पर काट दिया चालान। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का एक और विवादित बयान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा नक्सली। परवेश वर्मा ने फोन पर धमकी मिलने की दी शिकायत, दिल्ली पुलिस ने घर पहुंचकर की छानबीन। दिल्ली में अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ साथ प्रचार करेंगे, 2 फरवरी को बिराड़ी इलाके में दोनों की साझा रैली। केजरीवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीखा तंज, कहा जो अपने गुरु का अन्ना का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। संगीतकार विशाल डडलानी की दिल्ली में चुनावी रैली, आप उम्मीदवार प्रमिला टोकस के लिए मांगे वोट। दिल्ली के नजफगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, मतदाताओं से कहा 8 तारीख को बटन दबे, करंट शाहीन बाग में लगे। दिल्ली में 2 घरों से 19 लाख रुपए कैश भरा, चुनाव आयोग की टीम ने मारा छापा। दिल्ली में कारोबारी की हत्या के मामले में 4 लोग गिरफ्तार, नशा तस्कर हैं 4 आरोपी।
दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, पहली बार बजाई गई वंदे मातरम की धुन। यूपी के मंत्री जय कुमार का अजीब गरीब बयान, छात्रों से कहा पढ़ने लिखने वाले लोग करते हैं गुलामी, नेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। अलीगढ़ में यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा जो हिंदुत्व की रूपरेखा में रहेगा वह हिंदुस्तान में रह पाएगा। बाराबंकी में बंद रहा भारत बंद का असर, कई इलाकों में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा। एमयू में वाइस चांसलर के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी। बागपत में भारत बंद के दौरान जबरन दुकान बंद कराने का आरोप।